डियर स्टूडेंट्स आई हैव टू टॉक विद यू अबाउट मल्टी वर्ड अटरेंसिस इन दिस मॉड्यूल मल्टी वर्ड अट्रेंसिस स्टेज को टेलीग्राफिक स्टेज भी कहा जाता है और इस इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्गर सेंटेंसिस देंटेंसिस है मोर देन टू थ्री और फोर सेंटेंसेस इस वो अल्फाज यानी वो सेंटेंसेस जिसमें तीन या उससे चार अल्फाज को मिलाकर वो चाइल्ड जो है बच्चा है वो बोलता है और ये आम तौर पर दो साल के बाद की स्टेज है नेक्स्ट स्टेज है और टेलीग्राफिक स्टेज इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो टेलीग्राम में जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो यानी वर्ड्स उसने लिखे होते लिखे होते हैं उनको नकल करके मिमिकिंग करके वो जो चाइल्ड है वो बोलता है इसलिए इसको टेलीग्राफ या टेलीग्राफिक स्टेज कहा जाता है तो ये मल्टी वर्ड अट्रेंसिस ये लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज एक्विजिशन की आ, इंतहाई अहम स्टेज है और इस ये इस इसके इस ये समझ लें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो एक फ़ाइनल स्टेज है उसको हम इसमें शुमार करते हैं इन दिस स्टेज द चिल्ड्रेन अपीयर टू डिलीवर वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर बच्चे सही ऑर्डर के साथ वर्ड्स को अदा करते हैं और इससे मुराद ये है कि देखें इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस होता है वो ऑबजेक्ट वर्ब एंड सॉरी जो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑबजेक्ट इस तरतीब से आया होता है और वो बच्चा जो है वर्ड्स को अदा करते हुए इनका ही इसका ख़्याल रखता है और वो इसी तरतीब से उसको बोलता है और उसके मफहूम को अदा करता है और उनके जो ऑर्डर है वर्ड्स का वो उसको ब्रेक नहीं करता इससे उसके जो उसकी ग्रामेटिकल सेंस भी जाहिर होती है और इस स्टेज पर जो बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो रैपिड हो जाती है ये इस इनका जो दौरानिया है आप समझिए कि 24 मंथ्स मंथ से आगे 30 और फिर 30 मंथ्स के भी आगे ये थ्री थ्री इयर्स की एज आप कह लें उसमें जाके ये बच्चे के कि इस पीरियड में और वो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इसमें उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ हो जाती है सिंपल वर्ड्स एट्रेंसिस जो है टू वर्ड्स एट्रेंसिस है असल में पेश खामा होती है मल्टी वर्ड एट्रेंसिस का यानी ये बच्चा जो पहले टू वर्ड स्टेज से गुजरता है और फिर मल्टी वर्ड स्टेज पर आता है और इस तरह ये यानी ये एक लैंग्वेज डेवलपमेंट की उस मल्टी स्टेज वर्ड्स पर उस वक्त पहुंचता है जब वो जो टू वर्ड स्टेज में से गुजर आता है और वहाँ उसमें वो मचोरटी पैदा हो जाती है कि वो अब दो से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करके करेक्ट ऑर्डर के साथ वो अपने सेंटेंसेस बोलता है और जिससे वो अपना मफहम कन्वे करता है और जो आफ्टर एटीन मंथ या ट्वेंटी फोर मंथ तो उसकी जो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो रफ्तार है उसकी स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाती है और उसकी वैकेबलरी डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत बढ़ जाती है और उसके उसमें वो रोज़ाना जो है आठ से दस वर्ड्स यूज़ करता है और इससे वो फिर मतलब उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की रफ्तार या उसकी जो लैक्सिकॉन है या उसकी जो मेंटल वैकेबरी है या उसका जो मेंटल सिस्टम है उसमें वो वर्ड्स का इजाफ़ा करता जाता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है लैगजीम्स के लिहाज से इसमें जो प्रपोजिशन हैं और डिटर्मिनर्स हैं यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको यूज़ करते हुए एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में उनको हम डिफरेंट uh, प्लेसिस पर यूज़ uh, करते हैं जो सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और सेंटेंसेस को बामानी बनाते हैं तो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट और मल्टी वर्ड एटरेंस स्टेज में uh, जो जो चाइल्ड है उसकी लैंग्वेज इस हद तक डिवेल्प हो चुकी होती है कि वो ज़्यादा वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर ने मिलाकर सेंटेंस बना सकता है और उससे वो अपना मफहूम जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को उसकी मदद से वो कन्वे कर सकता है और फिर एग्जिलरी या सपोर्टिंग वर्ब्स जो होते हैं एंड वाइटीज़ आर आर यूटिलाइज टू एक्सप्रेस आइडियाज़ यही डिफ़रेंट वर्ड्स को डिफरेंट एक्जिलरी वर्ब्स या वर्ड्स को यूज़ करके वो अपने आइडियाज़ को कन्वे करता है और uh, फिर इसके साथ साथ एक्चुअली लैंग्वेज डेवलपमेंट में कॉन्टेक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे हमने प्रैग्मैटिक्स में पढ़ा कि लैंग्वेज स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज़ है वो सेंटेंसेस जो हैं उनका वो क्लोज अटेंशन उनको देगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर देयर करेक्ट ऑर्डर देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देयर स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन इसको देखना देखेगा वो उसको और जो बच्चे वर्ड्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं एज ऑफ फोर यानी चार साल की उम्र में तो वो बहुत उनकी ये जो बढ़ चुका होता है उस उनका ये लैंग्वेज ले, डेवलपमेंट की जो ये फ़ेज़ है उनकी लैंग्वेज आलमोस्ट काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी होती है और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो अगली फाइनल स्टेज है जो लैंग्वेज एक्विजिशन का उसका पीरियड है जिसमें वो सो गुज़र रहा गुज़र चुका होता है फ़ोर इयर्स तक और वो उनका प्रोनंसिएशन भी करेक्ट अंदाज़ में बोलने की कोशिश करता है और वो भी उसने अपने एनवायरनमेंट से सीखा होगा या अपने केयरगिवर से पेरेंट्स से या या क्लास में स्कूल टीचर्स की मदद से वो उसकी ये एक यानी प्रोनंसिएशन की करेक्शन भी उसमें जहाँ वो वर्ड्स को मिला कर वर्ड्स को जोड़ कर करेक्ट ऑर्डर में बोलता है वो वर्ड्स का प्रोनंसिएशन भी वो सीखता है और ये जो इस तेजी स्टेज दिस एज द इज डिस्क्राइब्ड एज इंडिविजुअल एंड एंडल्ट करेक्शन बच्चे जो होते हैं ना वो जो एडल्ट्स होते हैं या उसके केयर गिवर्स होते हैं उनकी करेक्शन की तरफ वो अगर उनकी लैंग्वेज में उनके प्रोनंसिएशन में अगर वो कोई करेक्ट करने की कोशिश करें तो उस पर वो तोज्जो नहीं देते क्योंकि दोनों की लैंग्वेज में फ़र्क होता है जो एडल्ट होता है वो करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ बोलेगा लेकिन बच्चे समटाइम जो है वो करेक्शन उस तरह करेक्ट ऑर्डर के साथ या करेक्ट प्रोनाशिएशन के साथ वर्ड्स या उसको वो नहीं बोल रहे होते तो वो अगर जो पेरेंट्स या वो उनको तोज्जो भी दिलाए ना करेक्शन के हवाले से तो वो उस पर उस तरह तवज्जो नहीं देते और वो अपना टाइम लेते हैं इस मामले में उनको मतलब है कुछ वक्त लगता है और ये जो आ, Uh, ये बड़ी इम्पॉटेंट स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से मल्टी वर्ड ट्रेंसिस तो ये आप समझ लें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो फाइनल स्टेज है जो मैंने अभी आपके सामने बयान की